एसएससी सीजल 2022 मेंस जितने भी स्टूडेंट ने दिया था, 2 से 7 मार्च के बीच आपका जो मेंस का एग्जाम है वो आप सभी का हुआ था। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपने मार्क्स आप सभी ने चेक कर लिए होंगे, आंसर की आप सभी की आ चुकी है और लगातार आप सभी अब ये सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। साथ ही पोस्ट प्रेफरेंस का जो लिंक है वो कब एक्टिवेट होगा, क्या कैसे क्या रहेगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी आंसर की देखी है, सभी कमेंट सेक्शन में अपनी कैटेगरी और आपके मार्क्स कितने हैं ये दो चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है, जिससे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो अंदाजा है वो कहीं ना कहीं आपका लगाया जा सकता है। बाकी मैं गूगल फॉर्म भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर मैं आपको दे दूंगा, वहाँ उसको आप एक बार भरिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा, जिससे जो डेटा है ज़्यादा से ज़्यादा आपका आ सके। दूसरी चीज़ कि जैसे ही आपका अभी आंसर की आपकी आपने देख ली है, उसके बाद अभी लगभग आशा है कि आने वाले 20 से 25 दिनों में आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस का जो लिंक है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपका 7 डेज मतलब 1 वीक तक वो पूरा आपका एक्टिवेट रहेगा। तो सभी स्टूडेंट्स अभी जिनके भी मार्क्स अच्छे आए हैं, आप सभी अभी से ही जितने भी ऐसे थे, क्योंकि उसके पहले क्या है ना, हो सकता है कि पोस्ट प्रेफरेंस का लिंक और आपका जो टेंटेटिव आंसर की सॉरी वैकेंसी आपका जो है वो हो सकता है साथ में है, या आपकी जो वैकेंसी वो आपकी पहले है, लेकिन उसके पहले जो आपको एक इमेज आपको सभी से शेयर करी गई थी, उस इमेज में आप सभी स्टूडेंट जो जो मेन मेन डिपार्टमेंट है आप सभी को पता भी होगा, तो वो सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो आप एक बार चेक कर लेना कि भाई मुझे कौन सा डिपार्टमेंट पहले रखना है, क्या चीज़ें। और दूसरी चीज़ की कोशिश करना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके होम पोस्टिंग के लिए ट्राई करना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप 4600 ग्रेड पे लेके बाहर तो चले जाते हो लेकिन वापस कैसे आना है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए रहता है, ठीक है। तो कोशिश करो कि अगर आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है 2400 ग्रेड पे में भी, तो आप वो लेने की कोशिश करो, क्योंकि होम पोस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी पूरी लाइफ अगर आप बाहर पूरी स्पेंड करते हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस आप अपनी भरना, बाकी जिस तरीके से आपका डिपार्टमेंटल आपका एग्जाम प्रमोशन वगैरह होते हैं उसका मैं एक अलग से वीडियो में आपको हर डिपार्टमेंट का मैं आपको बना दूंगा। और तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लेना, जिससे जो भी अपडेट एसएससी सीजीएल के आपके डिपार्टमेंट के बारे में रहेगी आपको यहाँ पे दी जाती रहेगी। बाकी कोई भी क्वेरी रहे डीवी वगैरह से रिलेटेड, जब आपका सिलेक्शन होगा फाइनल उसके बाद, तो आप इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हैं। बाकी सभी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर छोटी छोटी अपडेट इवन एलोकेशन से रिलेटेड अपडेट भी वहाँ पर आप सभी को दी जाती है। ओके।